गाइज, वेलकम टू द चैनल. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. और आई एम गोइंग टू डू सम इंटरेस्टिंग रीडिंग टूडे, जहां पे वॉट वी विल डू इज कि समबडी कॉमेंटेड ऑन माई दिव्या भारती का वीडियो, तो मुझे वहां से आइडिया आया कि वाई नॉट ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट दिव्या भारती सोल, श्रीदेवी जीज सोल एंड सुशांत सोल फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स. अभी उनकी सोल की जर्नी कैसे चल रही है, कैन वी गेट सम गाइडेंस. आई होप दैट यू विल ऑल्सो लाइक दिस गाइडेंस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आई हैव फेल्ट ड्रॉन टू यूज दीज टू कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग. ये गेटवे का कार्ड है और ये हम टैरो यूज करेंगे फॉर एडिशनल गाइडेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिव्या भारती का गाइडेंस. हम स्पिरिट गाइड से पूछेंगे कि हम ये जो यू नो दीज वर द ब्यूटिफुल पीपल हु वॉक्ड ऑन मदर अर्थ एंड देवर एंजल्स, अर्थ एंजल्स, जिनकी उम्र बहुत कम थी एंड देवर ऑल फ्रॉम बॉलीवुड. एंड बॉलीवुड में आप देखते हो कि इतने सारे घाघ लोग जिंदा रहते हैं, मोटे होते जाते हैं एंड दे लिव हैप्पीली, कोई उनको दिक्कत नहीं होता. लेकिन कुछ वेरी टैलेंटेड पीपल, वाई दे डाई इन अ सस्पिशियस वे. एंड द वेरी फैक्ट दैट दे डाई इन अ सस्पिशियस वे एंड बॉलीवुड को उनकी कभी चिंता नहीं होती है, कोई उनको यू नो दे डोंट हैव एनी बॉदर कि उनको कुछ जस्टिस मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर दैट दे नो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट. इसीलिए उनको कभी चिंता नहीं होती है कि उसके रीजन्स भी फाइंड करने होते हैं. यू नो एवरीबडी हैज अ स्केलेटन इन देयर कबर्ड्स इन दिस बॉलीवुड. बट एनी वेज, हम तो जानते ही हैं कि क्या रियालिटी है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल नो कि ये जो ब्यूटिफुल सोल्स हैं, जिनका एक आई एम श्योर दे हैड अ बिग स्पिरिचुअल पर्पस हियर टू अवेकन द मासेस, इन द केस ऑफ सुशांत, दिव्या भारती, श्रीदेवी. तो चलिए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे दिव्या भारती से. एंड सुशांत का तो डेथ एनिवर्सरी भी था कुछ एक दो दिन, कुछ दिन पहले. तो चलो हम देखते हैं, वी विल स्टार्ट विद दिव्या भारती. लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिलता है उनके सोल के बारे में. गॉड्स गार्ड्स एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गार्ड्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर ऑल ऑफ अस दिव्या भारती फैंस हु वॉन्ट टू नो वॉट इज हर सोल डूइंग. कैन वी गेट एनी इंसाइट अबाउट देयर सोल्स. ट्रस्ट दैट यू हैव ऑप्शन, दैट यू हैव ऑप्शन इज मीनिंगफुल. रॉक ऑन. माई ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. If I could make just two wishes, I would wish I could somehow convey to you the profound depth of my gratitude for every moment of your life. I would also wish that you could somehow know of your unimaginable importance just as you now are to the lives of so very many. And of course, I would wish for even more wishes. You were such a good idea, universe. Okay, let me keep this here. Divya Bharti. What messages, what can we know about Divya Bharti's soul? अच्छा, ये वाला कार्ड आना चाहता है. Do something new, something different. Ever notice how it is easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? All right. और यहाँ पे क्या कार्ड आया है हमको? Prepare to be astounded. चलो ये दोनों बैक एंड फ्रंट का कार्ड मैंने ले लिया है दिव्या भारती के लिए. अब मैं लूंगी क्या गेटवेज उनके लिए खुल रहे हैं. व्हाट आर दे गोइंग थ्रू राइट नाउ, व्हाट इज देयर, व्हाट इज हर सोल गोइंग थ्रू राइट नाउ. शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ. आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग. What is her soul going through now? Do you see that this is literally a girl over here? सारे cards में girls नहीं है.
दिस इज लिटरली अ गर्ल हियर हु इज सिटिंग ऑन द जीब्रा, और ये जीब्रा ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, ये कहीं दौड़ के जा रहा है. तो इज इट ओके टू अंडरस्टैंड कि दिव्या भारती का सोल, दिस इज द ब्यूटिफुल, शी वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी राइट, एंड दिस इज अ वेरी एलिगेंट गर्ल, एक बैलरीना लग रही है. शी इज सिटिंग ऑन दिस जीब्रा और वो ये जीब्रा दौड़ के कहीं जा रहा है. तो इज इट ओके टू अंडरस्टैंड वॉट माई स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी कि दिव्या भारती का सोल किसी व्हीकल पे सवार होके कहीं जा रहा है, लाइक शी इज इन अ, ये दिस जीब्रा इज गोइंग समवेयर, शी इज इन अ ट्रांजिशन, शी इज गोइंग समवेयर. इज हर शो सोल काइंड ऑफ रेडी टू री इनकारनेट, शेयरिंग हर सेल्फ? क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने दिव्या भारती का रीडिंग किया था तो हर सोल वॉज नॉट रेडी टू री इनकारनेट, इसी तरह की कुछ रीडिंग आई थी, हर सोल वॉज नॉट रेडी टू री इनकारनेट. और अभी ऐसा लग रहा है कि शी इज फाइन विथ शेयरिंग हर सेल्फ विथ अनदर 3D एक्सपीरियंस. आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बींग. तो मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह की गेटवेज है. प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड. चलो ये पढ़ते हैं. सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी, एवरी वन ऑलवेज फॉर एवर, बी प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड ओ मैन, एंड विल यू एवर बिकम अ बिग टाइम मैनिफेस्टर. बी प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड. चांद है यहाँ पे. डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. सो वॉट इज शी डूइंग? शी इज डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. उसका सोल कुछ नया करने की के लिए निकल गया है क्या? ऐसा समझ सकते हैं क्या हम लोग? लेट्स सी. ओके, दिस इज वेरी क्लियर. नो, लेट मी पुट दिस इन अ नटशेल वंस अगेन गाइज. देखो, लास्ट टाइम जो मैंने दिव्या भारती का रीडिंग किया था ना, उसका गाइडेंस ये आया था कि हर सोल वॉज नॉट रेडी टू री इनकारनेट इन दिस वेरी रूथलेस वर्ल्ड जहां से उनको इस तरह से जाना पड़ा है, ठीक है? और शी वॉन्टेड टू, शी वॉज टेकिंग हर ओन टाइम टू हील हर सेल्फ, हील हर सोल, जो भी उनके साथ हुआ. अब हम जब काफी दिनों के बाद उनकी रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्लियरली शी इज सिटिंग ऑन अ जीब्रा, वो कहीं जा रही है, जीब्रा कहीं जा रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि उनका सोल कहीं एक तरह के ट्रांजिशन में है, जाने के लिए तैयार है. वो जहां से माने कि मोर ओवर जहां पे सोल्स रहते हैं वहां से वो निकल चुका है, अभी ट्रांजिशन की जर्नी में है और कहीं जाने वाला है. तो ट्रांजिशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड वाई ट्रांजिशन हो रहा है? क्योंकि नाउ शी इज रेडी टू शेयर हर सेल्फ, शी इज रेडी टू शेयर हर सेल्फ विद द 3D एक्सपीरियंस, द 3D एक्सपीरियंस, मे बी फॉर सम मोर सोल लेसन और वट एवर. बट यहां पर यही लग रहा है कि शी इज नो मोर हाइडिंग, मैंने कि शी इज नो मोर इन लाइक यू नो हाइबरनेशन बोलो या फिर हीलिंग प्रोसेस में जो थी वो. तो ये मैं देख रही हूं कि शी इज इन द प्रोसेस, शी इज इन द ट्रांजिशन. अभी हम एक और कार्ड निकालेंगे. प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड, समथिंग सरप्राइजिंग, शी इज रेडी फॉर समथिंग सरप्राइजिंग मे बी, एंड शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट के लिए वो रेडी है. कैन वी प्लीज हैव इन गाइडेंस फॉर ऑल द फैंस ऑफ दिव्या भारती, वॉट इज हर सोल? एनी मैसेज ऑन हर सोल? वॉट इज हैपनिंग? वी लव हर सो मच. कैन वी प्लीज हैव अ गाइडेंस? यस. स्कल है. वाओ, एंडिंग्स, एंडिंग्स. इट्स टाइम टू एंड द पास्ट, पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ हुआ है ना, इट्स टाइम फॉर द एंडिंग्स. कल है ये, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा अब यहाँ पे. किसी तरह का एंडिंग एंड बिगिनिंग है. गुड लक भी है. मे बी दिस कैन टेल वेयर शी इज री इनकारनेटिंग. ये क्लियरली क्या है? ये तो व्हाइट हाउस लग रहा है. क्या है? अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी आर आस्किंग अबाउट अ सोल एंड यू नो व्हाट इज दिस गोइंग थ्रू? ये सोल जा भी रहा है, हम ये बात भी कर रहे हैं. मैंने अभी क्लियरली कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि सोल ने एक जगह छोड़ दिया है और वो दूसरे जगह जा रहा है. यू कैन क्लियरली सी हियर द सोल इज गोइंग
And you have a United States at the back of the deck. Looks like she is probably reincarnating in the United States. You never know. क्योंकि लॉजिकली तो हम इसी तरफ आगे बढ़े हैं ना, एक एंडिंग हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्वाइट पॉसिबली. हालांकि हाउ कैन यू प्रूव ऑल दीज थिंग्स, बट या व्हाट इज द प्रूफ, ये हमको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं. लुक्स लाइक शी इज रेडी टू बी री इनकारनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स. हाउ विल यू एवर नो दैट, बट या एटलीस्ट वी कैन नो समथिंग. ऑल राइट, चलिए हम टैरो निकाल के देखते हैं, उससे कुछ शायद एडिशनल इनसाइट्स हमको मिल जाए. यहाँ पे तो अभी तक हमको दो गाइडेंस मिल चुका है, स्ट्रांग मैसेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, शी इज इन द ट्रांजिशन, शी इज रेडी टू शेयर न्यू वर्ल्ड एक्सपीरियंस, 3D एक्सपीरियंस. शी इज मूविंग सिटिंग. यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एक जगह का नाम आ गया, तो क्वाइट पॉसिबली वी कैन कंक्लूड कि यूनाइटेड स्टेट्स में उनका रीइंकार्नेशन हो सकता है. शी, मुझे ऐसा भी लगता है कि द वे दिस शी इज, यू नो, बहुत ही प्यारा सा बैलरीना का ड्रेस पहन के जो वो जा रही है, तो क्वाइट पॉसिबली शी कुड बी सम बैलरीना काइंड ऑफ थिंग. डांसिंग वांसिंग में हो सकती है या जिमनास्ट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है उसका प्रोफेशन. क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्सन इज वेयरिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रेस. ऐसे ड्रेसेस तो यूजुअली सम बैलरीनास ही पहनते हैं. मे बी दिस इज वॉट शी इज मेंट टू डू इन दिस लाइफ टाइम, क्वाइट पॉसिबली. क्योंकि ये ड्रेस इज कॉन्सिपिकुअस, और ये जीब्रा भी है, ये भी कुछ मतलब होगा इसका, वी विल सी. वो चीजें हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड, दिस इज गोइंग, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी समथिंग एक्साइटिंग फॉर हर. इसीलिए शी इज ऑल शेयरिंग हर सेल्फ ऑल्सो. देखो, प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड एंड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. यस, न्यू कंट्री, डिफरेंट कंट्री, न्यू थिंग, डिफरेंट थिंग. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नए जगह पे जा रही है वो. ऑल राइट, चलिए अब हम जानते हैं यहां से. अगर ये तो मोटा मोटा हमको पता चल गया है, अब लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम डिटेल गाइडेंस, तो और भी मजा आएगा. अगर यूएस से रिलेटेड कुछ इसमें पता चले तो, I mean the very fact that you are asking about a soul and she is moving and you get a country's name, excuse me, is a proof enough. But हमारा logical mind है ना, और भी proofs खोजता रहता है. But anyways, let's keep on moving. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for all of us. We are Divya Bharti's fan. We want to know about her soul. Please help us. Please guide us. Anything we can know. All right. यहाँ पे Ace of Pentacles है. Ace of Pentacles क्या है? 3D जर्नी का कार्ड होता है. ये पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, 3D एनर्जी. मे बी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, कोई धरती पे आने वाला है, क्वाइट पॉसिबली. एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगिनिंग इन द 3D, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्धी एलिमेंट है, न्यू बिगिनिंग है. चलो आगे बढ़ते चलेंगे हम. ये क्या है? 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. और राइट, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या देख रहे हैं हम? वो जजमेंट का कार्ड. डू यू सी दिस? ये देखो, जजमेंट का कार्ड कब आता है? जजमेंट का कार्ड आता है, जजमेंट का यूजुअल कार्ड देखे हो ना, इट इज द रीबर्थ फ्रॉम द स्केलेटन्स. वो चीजें हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल वही है. आई मीन बरियल ग्राउंड है ये. इट्स टाइम फॉर हर टू कम आउट ऑफ दिस, प्रॉबेबली इट मीन्स दैट. क्योंकि ये रिवर्स में भी है, सबकॉन्शियस लेवल में भी है, जजमेंट का कार्ड है. जजमेंट का कार्ड का मतलब ही है कि यूनिवर्स क्या करता है, एंजल्स जो रहते हैं वो क्या है, जो स्केलेटन्स बन गए हैं उनको उठाते हैं रिबर्थ के लिए, जो भी जैसा उसने किया है. अब ये वाला चीज उल्टा हो गया है, जजमेंट का कार्ड कुछ उसी तरह की एनर्जी है, रीराइजिंग, समथिंग लाइक दैट. पास्ट में हम देखेंगे कि क्या हुआ था. नेव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स. यस, एस ऑफ वॉन्ड इज अ स्पिरिचुअल बिगिनिंग, राइट? ये पूरी तरह से हुआ नहीं है पर होने वाला है लगता है.
क्योंकि ट्रांजिशन होने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेवन ऑफ ये चैरियट है गोइंग फॉरवर्ड।